जिस तरह से इस बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट को बेचा है हाँ, बेचा है टिकट को और 8 करोड़ में बेचा है रिश मीणा ने, जो केसी मीणा जो चार, क्योंकि ऑफिशियल पुष्टि तो है, देखिए ऐसा है। तो आपका ये निर्णय जल्दबाजी से भरा तो नहीं, आपको क्या लगता है? मेरा 44 साल उम्र हो गई, कब तक वेट करूंगा? 2028 के चुनाव में आज से 4 साल बाद में 48 का हो जाऊंगा, फिर टिकट नहीं मिलेगा, फिर ये लोग ये कहेंगे धैर्य रखो। जब आप 12 से चुनाव लड़े थे तो एक आपका बयान काफी वायरल हुआ था, उनको लेकर के आपने कहा था प्रमोद जैन भैया को लेकर के कि अणिए बणिए कुछ इस तरह का बयान था, तो वो बयान आपको डेंट दे सकता है कि आपकी राजनीति? देखिए वहाँ की कंडीशन इस तरह की थी, देखिए दुख होता है जब परिवारवाद वंशवाद की राजनीति करने वालों को पार्टियां ज्यादा तवज्जो देती है। जिस गांव में मैं जा रहा हूँ माता बहनों के पास, वो माता बहनें गुस्से में, वो कहती क्या लेने आते हो, नहीं देंगे हम वोट। नरेश मीणा के साथ बाहर के युवा लगे हुए हैं और एक सोशल मीडिया की हवा है, देवली उनियारा के लोकल स्थानीय युवा हैं, उनका सपोर्ट उनके पास कम है, तो इस पर आपका क्या मानना? आपसे आग्रह आपके कैमरामैन से, अपनी गाड़ी के आगे प्लीज एक बार कैमरे को घुमाएं। अगर नरेश मीणा एमएलए बनते हैं तो हो सकता है 4 साल बाद मेरी आपकी फिर से मुलाकात हो, तो ऐसे कौन से काम प्रायोरिटी पे आपके रहेंगे जिनका मैं आपसे हिसाब मांग सकूं कि देवली उनियारा के लोगों के लिए आपने क्या किया, आपकी सूची में रखूंगे वो प्रायोरिटी पे? देवली उनियारा में तो आप लिख लीजिए। हवा को बहुत सरकशी का नशा है, मगर ये ना भूले दिया भी दिया है, न हारा है इश्क न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है हवा चल रही है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं झलकू राजस्थान। फिलवक्त मेरी मौजूदगी है देवली ओनियारा विधानसभा में एक कस्बे में, मेरे साथ मौजूद हैं देवली ओनियारा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा। नरेश मीणा की सियासत से आप लोग वाकिफ होंगे, यूनिवर्सिटी के चुनाव से शुरुआत करते हुए NSUI के माध्यम से कांग्रेस में आए, पिछले 2 बार से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे लेकिन दोनों ही बार चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया, इस बार फिर से निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है देवली ओनियारा सीट से। आइए उनसे बातचीत करते हैं और क्या उनकी सियासत का मिजाज है, क्या वो देवली ओनियारा के विजन को लेकर के सोचते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। गला बैठ गया सर आपका? हाँ जी, मेहनत बहुत जोर शोर में चल रही है। हाँ, 25 तारीख से लगातार गाँव में और दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सुबह 6 बजे निकलता हूँ, रात को 2 बजे तक घर पहुँचता हूँ। सर, मेरा बहुत ही बुनियादी सवाल, जो मैं फील्ड में भी लोगों से मिलता हूँ, दर्शकों से भी मिलता हूँ, कि आपने अपनी जब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन आपका मतलब वो राजनीति खत्म हुई तो शुरुआत में आपने कृष्णलाल जी के साथ में अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी, उसके बाद में आप सचिन पायलट खेमे से जुड़े रहे, लेकिन आपके दोनों ही नेता आपको दोनों ही पार्टियों में मुकम्मल मुकाम हासिल नहीं करवा पाए, मैं टिकट की बात कर रहा हूँ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पिछली बार टिकट मांगा था, लेकिन हो सकता है कई बार परिस्थितियाँ नहीं बनती, नेता का जो हम सोचते हैं उस हिसाब से नेता की भी कई बार नहीं चल पाती है, लेकिन पिछली बार भी मैंने जब 2023 में टिकट मांगा, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैं निर्दलीय लड़ा, 44,000 वोट आए थे, उसके बावजूद ही पता नहीं इस बार भी मैंने जब टिकट मांगा, सर्वे में मेरा नाम था, सब कुछ मजबूत स्थिति थी यहाँ पे लोग, आप देख रहे हो अभी जो स्थिति है, उसके बावजूद ही पता नहीं पार्टी किस क्या आकलन करती, किस आधार पर टिकट देती है, और इस बार मेरे को लग रहा था कि हाईकमान जो भी है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो भी टॉप लीडरशिप कांग्रेस की थी, वो सब ये चाहते थे कि मेरे को टिकट मिले, लेकिन यहाँ का जो सांसद था वो ये नहीं चाहता था कि मुझे टिकट मिले, और इसी कारण से मुझे टिकट नहीं मिला। आपकी आपको लगता है आपकी पैरवी मजबूत रही आपके नेता सचिन पायलट ने पार्टी में आपकी बात दमदारी से उठाई? बिल्कुल, सचिन पायलट जी ने मेरी पैरवी मजबूती से करी, लेकिन यहाँ के सांसद ने वीटो कर दिया और वीटो करने के बाद मेरे को टिकट नहीं मिला। अच्छा, हम जब फील्ड में जाते हैं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नरेश मीणा हवा हवाई नेता है, माने कि पहले 12 से चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव हार गया, उसके बाद दौसा से टिकट मांग रहा था, उस तरह से हवा हवाई होकर के यहाँ पे निर्दलीय पर्चा भर रहा है, यहाँ से जीत गया तो हमारे बीच रहेगा, हार गया तो फिर कहीं और से टिकट मांगेगा, तो आप 5 साल लोगों के बीच रहेंगे? देखिए, ये बात वही करते हैं जो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आम जनता से आप पहुँचोगे तो ये बात नहीं करेगी, हमारा सभी तरह के लोगों से चर्चा होती है, और ये अगर आप इस तरह का अगर हवा हवाई होता तो ये जो आप अभी गाँव में देखा होगा आपने, जो मुझे उमड़ रहा है लोग जो उमड़ रहे हैं, और ये आपका इसका जवाब मैं 23 तारीख को आपको दे दूंगा कि 23 तारीख को उन लोगों को जो कह रहे हैं कि हवा हवाई है, उनको पता लग जाएगा कौन हवा हवाई है और कौन ग्राउंड पे मजबूत है। मैंने राजस्थान में हर कोने में काम किया है, राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र से स्टूडेंट यूथ वहाँ पढ़ने आती है, और उन सबसे मेरा जुड़ाव रहा है, उनसे लगाव रहा है, और वही कारण है कि आज कम से कम हाड़ौती से लेकर पूर्वी राजस्थान में तो नरेश मीणा का गाँव गाँव में घर घर में नरेश मीणा की पहचान है, घर घर तक नरेश मीणा की पहुँच है, और यही कारण है। छबड़ा में भी मेरे पास कोई अपना वोट नहीं था, घर नहीं था, लेकिन वहाँ भी मैं चुनाव लड़ा, 44,000 वोट वहाँ मेरे आए, और शायद अगर पार्टी वहाँ टिकट देती तो वहाँ भी 10,000 वोट जीतता। पिछली बार 200 से नॉमिनेशन डाला था, लेकिन मेरे जो जिसको मैं नेता मानता हूँ उनके कहने पर मैंने वापस ले लिया था, और अभी देवली उनियारा में जिस तरह का जन समूह मेरे लिए उमड़ रहा है, जिस तरह का जन आशीर्वाद सर्व समाज का मुझे मिल रहा है, उससे ये कन्फर्म है कि यहाँ से मैं इस बार चुनाव जीत के जीत लूँगा।
युवाओं को लेकर के कमोबेश दोनों ही पार्टियों में वही स्थिति रहती है, चाहे वो रविंद्र सिंह भाटी का मामला हो, चाहे हरियाणा में देवेंद्र कादियान का मामला हो, या पूर्वी राजस्थान में आपका मामला हो, कि पार्टी युवाओं को तरजीह कम देती है, फिर उनको बगावत के तेवर अख्तियार करने पड़ते हैं। तो ये पार्टी की इस विचारधारा को, दोनों ही पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, आपका क्या मानना है? देखिए, दुख होता है जब परिवारवाद वंशवाद की राजनीति करने वालों को पार्टियां ज़्यादा तवज्जो देती है, उन्हीं लोगों को मौका देती है। और मैं जिस पूर्वी राजस्थान की अपन जहाँ बैठे हैं, जहाँ बात कर रहे हैं, वहाँ वो लोग राजनीति में हैं जो ब्यूरोक्रेसी में रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी से पैसा कमा के लाते हैं, मलाई खा के लाते हैं, भ्रष्टाचार का पैसा बहुत सारा इकट्ठा करके, और वो फिर राजनीति में आते हैं और राजनीति में उसी पैसे के बलबूते वो राजनीति करते हैं, और जिसका नेगेटिव असर समाज पर और सामाजिक परिदृश्य क्षेत्र पर पड़ता है। और इसके खिलाफ आज हमने बुगुल बजा रखा है। मैंने वंशवाद परिवारवाद के खिलाफ जिस तरह का मोर्चा खोल रखा है, उससे जो परिवारवाद वंशवाद की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, वो उनको घबराहट है कि अगर ये एक व्यक्ति एक बार विधानसभा में पहुंच गया तो हमारे बच्चों का, हमारे परिवार वालों का क्या होगा। ऐसे में वो सारे लोग मिलकर मुझे रोकने का प्रयास करते हैं, और यही कारण है असुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल, असुरक्षित महसूस करते हैं, यही कारण है कि वो मेरे टिकट रोकने में वो सफल हो रहे हैं अभी तक। जब आप 12 से चुनाव लड़े थे तो एक आपका बयान काफ़ी वायरल हुआ था, उनको लेकर के आपने कहा था, प्रमोद जैन भैया को लेकर के, कि अणिए बणिए कुछ इस तरह का बयान था, तो वो बयान आपको डेंट दे सकता है कि आपकी राजनीति में? देखिए, वहाँ की कंडीशन इस तरह की थी, वहाँ चार नेता इस तरह के हैं जो आपस में मिले हुए हैं कांग्रेस बीजेपी के, और वहाँ उनसे लोग जनता त्रस्त है, उनका वहाँ वोट नहीं था लेकिन उनसे जनता त्रस्त है, जनता उनसे परेशान थी, और उस समय वहाँ गुस्से में थी जनता उनको लेकर, तो वो एकदम गुस्से में वो निकल गया था। उसके बाद मैंने उस बात को माफ़ी भी मांगी थी जनता से, कई बार गुस्से में भावुकता में निकल जाता है, लेकिन उसके बाद मैंने माफ़ी मांगी थी। किसी कम्युनिटी को पर्टिकुलरली टारगेट करने का कोई इरादा नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। वहाँ एक जैसा शब्द हो जाता है ना कई बार, कि वो शब्द ऐसा हो गया था कि वो गुस्से में जिस तरह का वहाँ असर आपने देखा होगा, शांति धारीवाल जी और ओम बिरला जी दो अलग अलग पार्टी में होने के बावजूद एक ही हैं, प्रमोद जैन भाई जी, प्रताप सिंह सिंघवी जी अलग अलग पार्टी में होने के बावजूद एक ही हैं, तो उससे आम जो जन है बीजेपी हो या कांग्रेस में जो वहाँ राजनीति में लोग सक्रिय थे, उन सबको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो उन पर कुटाराघात करते थे, वो कहीं किसी को आगे नहीं आने देते थे। हालात ये थी आड़ोती में कि जो भी किसान कम्युनिटीज़ थी, चाहे वो धाकड़ समाज हो, माली समाज हो, मीणा समाज, गुजर समाज, जो बड़ी तादाद में वहाँ रहता है, उनको ऐसा लगता है कि हमें जो राजनीतिक महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, हमें जो नौकरियों में, जो कहीं तबादले में, कहीं पोस्टिंगों में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, कहीं धंधे पानी में हमें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो वो गुस्सा था, और वो गुस्सा मैंने भी वो जाहिर कर दिया, लेकिन उसके बाद जब मेरे को थोड़ा सा वो शब्द वो गलत था जो मैंने बोला, और उसके बाद मैंने माफ़ी भी मांगी थी। ठीक बात है, मीणा समाज में भी बुद्धिजीवियों का एक तबका इस बात की पैरवी करता है कि नरेश मीणा जल्दबाजी कर रहे हैं, अगर वो उचित समय पर सही निर्णय लेते तो पार्टी उनको सम्मान देती, तो आपका ये निर्णय जल्दबाजी से भरा तो नहीं, आपको क्या लगता है? मेरा 44 साल उम्र हो गई, कब तक वेट करूंगा? 2028 के चुनाव में आज से 4 साल बाद में 48 का हो जाऊंगा, फिर टिकट नहीं मिलेगा, फिर ये लोग ये कहेंगे धैर्य रखो, फिर नेक्स्ट 5 साल बाद में 53 का हो जाऊंगा। एक उम्र होती है काम करने की, चाहे आप खेतीबाड़ी करो या धंधा करो या कोई भी करो, एक जुनून होता है, एक उम्र होती है, एक 40 साल के नीचे तक आदमी में एक जुनून होता है, उसके बाद आदमी कई सारी चीज़ें सोचने लग जाता है, वो परिवार की सोचता है, वो रिस्क नहीं उठाता है। ये समय होता है जो रिस्क उठाने का एक समय रहता है, और समय के अनुसार अगर आपको मिल जाता है मौका तो आप ज़्यादा बेटर कर सकते हो, लेकिन समय के निकलने के बाद अगर कुछ मिलता है तो आदमी फिर वो नहीं कर पाता जो उसके दिमाग में, जो दिल में जो जगह रहती करने की, यही कारण है। कुछ बनेंगे नहीं बनेंगे पता नहीं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और आंखें खोल रहे हैं लोगों की। अभी देवली में जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा तो उनकी आंखें खुल जाएगी जिन्होंने कांग्रेस का केसी मीणा को टिकट दिया है। मंत्री विधायक बने ना बने, नेता तो बन गए लोगों, और यही बनना चाहते हैं। यहाँ कई कर्नल किरोड़ीलाल जी भैंसला हुए, वो MLA नहीं बने, सांसद नहीं बने, पर उनकी आज पूजा होती है, उनकी मूर्तियाँ लग रही है। राजपूत समाज में लोकेंद्र सिंह जी कालवी MLA नहीं बने, MP नहीं बने, लेकिन आज उनकी उनको लोग याद करते हैं। अरे काशीराम जी ने बहुजन के लिए साइकिलों से यात्राएं की, बहुजन को खड़ा किया, वो खुद नहीं बने, मायावती बनी, लेकिन जनता उनको याद करती है। हो सकता है जनता हमें इसीलिए याद किया करे कि कम से कम एक शख्स तो हुआ जो परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ बड़े बड़े नेताओं से लड़ा, जिन नेताओं के सामने यहाँ देवली उन्नीराम जी जनता दे रही ना आशीर्वाद, ये इसलिए दे रही है, कह रही है कि पहला शख्स आया जो हरीश मीणा के खिलाफ बोल रहा है, नहीं दिया तो हरीश मीणा के खिलाफ कोई एक शब्द निकालता नहीं था। अगर कोई गलती से अगर कोई कमेंट भी फेसबुक पर करते तो उसको जेल भेज देते थे, धमकाते थे, दादागिरी करते थे, मिलते किसी से नहीं थे। जयपुर यहाँ लोग 3,000 का डीजल बढ़ा के जयपुर में जाते थे, वहाँ भी नहीं मिलते थे। तो यही कारण है कि यहाँ, अच्छा आप यहाँ गाँव में कभी आपने मेरे बारे में कहा हवा हवा ये सब आपने फीडबैक लिया, आपने ये फीडबैक लिया माता बहनों से कि आपको राजनीति को लेकर क्या कहेंगे, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जिस गांव में मैं जा रहा हूँ माता बहनों के पास, वो माता बहनें गुस्से में है, वो कहती क्या लेने आते हो,
नहीं देंगे हम वोट। वो सभी नेताओं से गुस्से में है, वो आपको भी उसी कैटेगरी में रख रहे हैं। वो उन्होंने मेरे को देखा ही नहीं ना, उन्होंने तो उनको गाली दे रही है जिन्होंने अभी तक वोट दिया है। उनको गुस्से में है कि हमने जब भी इतनी बार वोट दिया है आज दिन तक वो वोट लेने वाला हमारे दरवाजे दोबारा आया ही नहीं। तो वो हमसे भी यही उम्मीद करती है कि तुम भी वैसे ही निकलोगे, तुम भी चुनाव के बाद नहीं आओगे। हमें मुझे तो सोगन खानी पड़ रही है, कसमें खानी पड़ रही है कि मैं आपका बेटा बन के आपके लिए काम करूंगा। मैंने यहाँ वादा किया, मैंने वादा किया है कि अगर मैं एमएलए बनता हूँ तो यहाँ बहुत बड़ी समस्या है पानी की। यहाँ कल एक गांव में मैं गया, वहाँ माता बहनों ने कहा कि साहब हमें पैसों में पानी मिलता है, पैसों में पानी मिलता पीने का, इससे बुरी बात इस देश में क्या होगी। और उस जगह जहाँ बनास नदी बहती है, बिसलपुर का डैम बना हुआ है, जहाँ से जयपुर पानी जा रहा है, अजमेर जा रहा है, और देवली उनियारा में कम से कम 100 गाँव मैंने ऐसे देख लिया जहाँ पीने का पानी नहीं है। टूटियाँ लगा रखी है जल जीवन मिशन में, उन टूटियों में पानी नहीं आता। मैंने उनसे कहा माता बहनों से, अगर मैं एमएलए बन जाता हूँ मैं विधानसभा में पैर ही तब रखूँगा जब यहाँ की माता बहनों को प्यास बुझा दूंगा, यहाँ के हर घर तक शुद्ध पानी पहुँचा दूंगा। ठीक बात है। जो लोग देवली उनियारा के चुनाव को देवली उनियारा से बाहर देख रहे हैं, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तो एक फोबिया उनमें बना हुआ है कि नरेश मीणा के साथ बाहर के युवा लगे हुए हैं और एक सोशल मीडिया की हवा है। देवली उनियारा के लोकल स्थानीय युवा हैं, उनका सपोर्ट उनके पास कम है, तो इस पर आपका क्या मानना? आपसे आग्रह आपके कैमरामैन से, अपनी गाड़ी के आगे प्लीज एक बार कैमरे को घुमाएं और इस जनता को देखें ये कहाँ के लोग हैं। बाहर के लोग मेरे हजारों लोग यहाँ आए हुए हैं, उनको हमने बूथ वाइज भेजा रखा है और वो मेरा प्यार है, मेरे पर उनका आशीर्वाद है। छबड़ा गया, छबड़ा जाके चुनाव लड़ा, और छबड़ा से अगर 1000 आदमी मेरे लिए यहाँ वोट मांगने आए, इसका मतलब मैंने रिश्ते कमाए, कुछ कमाया। और लोग बुला लो ना किसी को, दम हो तो आप करो ना, ऐसे कोई 5 आदमी नहीं जाते किसी के साथ। ये जो यहाँ के एमएलए एमपी बने उनके साथ 5 आदमी नहीं जाते, कौन किसके पास टाइम है? अभी खेती बाड़ी का ऐसा समय है, लोग बाग खेतों में पड़े हुए हैं, कौन समय देता है? लेकिन मेरे लिए आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि मैंने रिश्ता कमाया 25 साल से, उनमें भरोसा विश्वास है, वो ये चाहते हैं कि उनका भाई एमएलए बने। और यहाँ जो आप ये देख रहे हो, यहाँ तो लोकल नहीं, आज तो मैं तो 2-3 गाड़ी लेके निकला हूँ। आज मैंने सबको वो कर दिया है फील्ड में, हर जगह पंचायतों में मैंने उनको भेज दिया। अच्छा होता क्या जनरली कि लोकल लेवल पे अगर कोई बूथ पे या कोई पंचायत में अपन लोकल व्यक्ति को जिम्मेदारी देते हैं तो उससे होता है कि वो जो लोकल बाकी जो लोग हैं उससे कई अगर उसकी भी कोई नाराजगी किसी से उसकी व्यक्ति की दुश्मनी है, वो लोग आपके स्वाभाविक आपसे दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन बाहर के व्यक्ति को अगर आप ड्यूटी लगा रहे हो उस पंचायत में या गाँव में, वो बाहर तो वहाँ हर व्यक्ति जो अपने लिए काम कर रहा है वो वहाँ उसकी नज़र में आने के लिए, वो क्योंकि मैं तो सब जगह कैमरा नहीं है, मेरे पास तो नज़र नहीं है कौन कौन लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा व्यक्ति कोई जाएगा तो वो मुझे बताएगा कि ये व्यक्ति आपके लिए अपने लिए मेहनत करी, इस युवा ने मेहनत करी, उससे एक जुड़ाव हो जाएगा, बाद में वो हमारी टीम का मेंबर हो जाएगा, वो अपना भाई एज ए भाई की तरह हमारे साथ काम करेगा। इसलिए मैंने बाहर के जो भी साथी मेरे आए हुए हैं उनको सबको जिम्मेदारियाँ दे रखी है, और ये तो उनको कहना चाहिए बड़े नेताओं को कि कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए पूरे राजस्थान से लोग वोट मांगने आ रहे हैं। ठीक बात है, आपके समर्थकों का प्यार है। अगर नरेश मीणा एमएलए बनते हैं तो हो सकता है 4 साल बाद मेरी आपकी फिर से मुलाकात हो, तो ऐसे कौन से काम प्रायोरिटी पे आपके रहेंगे जिनका मैं आपसे हिसाब मांग सकूं कि देवली उनियारा के लोगों के लिए आपने क्या किया, आपकी सूची में रखूंगे वो प्रायोरिटी पे? देवली उनियारा में तो आप लिख लीजिए, घर घर में पानी पहुंचाऊंगा पीने का। यहाँ एक बजरी का बड़ा कारोबार है, करोड़ों रुपए की बजरी निकलती है, बाहर के बजरी माफिया के यहाँ से डंपर भर के जेसीबी चलाते हैं, और यहाँ के आम आदमी को एक टोली रेत नहीं मिलती। उनको पहला ये रहेगा कि उनको यहाँ के जो लोकल हैं उनको बजरी मिले, सुलभ और कम दामों में मिले, उन पर किसी तरह का चालान नहीं हो, किसी तरह की पुलिस की ज्यादती नहीं हो। तीसरा, यहाँ ऑफिशियल भ्रष्टाचार वो राजस्थान में सब जगह है लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा है, चरम पर है। यहाँ पर थानों में लूटा जाता है, तहसीलों में लूटा जाता है, बिजली घरों में लूटा जाता है, उस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम नरेश मीणा करेगा। सारी समस्याओं को लेकर यहाँ अभी नहर आ रही है, ERCP का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आ रहा है, उसमें 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें जो नहरें निकल रही है उसमें जमीनें आवाप्त की जा रही है लेकिन जो मकान टूट रहे हैं, जमीनें जो जा रही है उसका मुआवजा नहीं दे रहे, और उसको लेकर यहाँ बनेटा गाँव है, वहाँ पे लोगों ने कई लंबे टाइम तक धरना भी दिया है। मैं उनसे जाके मिल के आया, उनको आश्वस्त किया है कि मैं अगर बनता हूँ तो उनके साथ उनकी लड़ाई को बराबर में लड़ूंगा। मैंने आंदोलन की राजनीति करी है, अगर नरेश मीणा विधानसभा में पहुँचा तो विधानसभा में भी देवली उनियारा की आवाज़ बनकर बनेगा, और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी इनकी जनता के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा पूरी दमखम से। अगर नरेश मीणा एमएलए बनते हैं तो क्या सत्ता के साथ समीकरण बैठाते हुए बीजेपी का रुख करेंगे या अपनी मूल विचारधारा पे कायम रहेंगे? मैं जो जनता मुझे निर्दलीय के रूप में बनाएगी उस जनता के साथ रहूंगा, जनता को माँ बाप मान के काम करूंगा, और जनता का ही मैं अभी भी चुनाव में मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था लेकिन जनता ने कहा चुनाव लड़ो, मैं चुनाव लड़ा खड़ा हुआ, और उसके बाद जनता ने जो अपार आशीर्वाद मुझे दिया वो सबके सामने। उम्मीद करते हैं 23 तारीख को 100% 200% चुनाव हम जीतेंगे, और जीतने के बाद बेटा बनकर इनकी सेवा करेंगे। क्षेत्र की जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि अब इस बार जागरूक बने, जो आपके अंदर नेताओं के प्रति गुस्सा है, जो पार्टियों के लेकर गुस्सा है, जिस तरह से इस बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट को बेचा है हाँ बेचा है टिकट को, और 8 करोड़ में बेचा है रिश मीणा ने, जो KC मीणा जो क्योंकि ऑफिशियल पोस्टी तो है। देखिए ऐसा है
केसी मीणा जो चार दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति का काम कर रहा है, ये तो पुष्टि है ना, ये भी नहीं है क्या? बिल्कुल है, पता है ना, चार दिन पहले जो बीजेपी तो सबको पता है सर, 8 करोड़ वाली शायद बात भीतर की हो सकती है, सबको पता है ना इसको कि केसी मीणा जो बीजेपी का था और 18 व्यक्ति यहाँ कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, जिनमें नमो नारायण मीणा भी थे, जिनमें राम नारायण मीणा भी थे, जिसमें नरेश मीणा भी थे और लोकल यहाँ प्रत्याशी भी थे। ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिस व्यक्ति ने कांग्रेस का झंडा ऊंचा किया, कांग्रेस के राहुल गांधी के भारत जोड़ों में काम किया, उसको टिकट नहीं देकर भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति को? अच्छा, उसका ऐसा नहीं कि कोई बैकग्राउंड हो, जिसको कोई जानता नहीं हो, जिसकी कोई पहचान नहीं हो, परख नहीं है, जिसकी को पहचान थी, वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में बड़ा अफसर था, बड़ा उसके पास माल था और उसके आधार पर उसको टिकट दे दिया। वो एक जनता के पास सबको है। मेरा ही निवेदन है जनता से कि जनता जब ये जान रही है कि ये टिकट बेचा गया है, तो हाथ का पंजा बेचा गया है, जनता की भावनाओं को बेचा गया है, तो उन लोगों को नकारे। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर, उसने गुर्जर समाज से पिछली बार धोखा किया, साल भर पहले 2023 में उसने पार्टी के साथ भी धोखा किया। वो पहले 2013 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहे थे, उस समय पिछली बार जब उनका टिकट कट गया था तो विजय भैंसला जी को जब टिकट मिला कर्नल साहब के बेटे को, तो उसने बीजेपी के साथ भी बगावत करी और समाज के साथ भी धोखा किया। उसी तरह से जैसे अभी बीजेपी ने जो किया है, बीजेपी में प्रभुलाल जी सैनी ने टिकट मांगा, सीताराम पोसवाल जी ने टिकट मांगा, जौनप्रिया जी ने टिकट मांगा, ये लोग होते जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को नजरअंदाज करके, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले को नजरअंदाज करके एक ऐसे शख्स को टिकट दिया जिसने साल भर पहले ही पार्टी को हराया था। ये इसलिए मैं कहना चाहूँगा जनता को कि भाई इनको पहचानो, ये लोग किसी के सगे नहीं है, जो व्यक्ति समाज का नहीं है, पार्टी का नहीं है, जनता का नहीं हुआ अभी तक, एक बार एमएलए रह लिए, दो बार हरीश मीणा रह लिए, और फिर भी अगर आप इनको वोट देते हो तो फिर तो दुर्भाग्य है देश का। पहली बार वोट मांगने आया हूँ जनता से और जनता का आशीर्वाद मांग रहा हूँ, और अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो बेटा बनकर उनकी सेवा करूंगा। आपने 2-3 पर्सन ऐसे पूछे, जैसे एक तो हवा भाई, दूसरा आपने पूछा कि बाहरी, मैंने सर केवल जनता के सवाल आपसे तो जनता के सवाल ही मेरा आपसे आग्रह है जलको वालों से, एक बार इस कैमरे को बंद ना करें, बिल्कुल जारी है आप तो बताइए, बंद ना करें, आप मेरे साथ नीचे उतरें और मैं आपको इनसे मिलवाता हूं, इनका क्या कहना है। चलिए, क्या मानना है आपका चुनाव को लेकर? पानी की समस्या है, हरीश मीणा जी ने काम नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। तो ये तो आपके बीच के हैं क्या, ये तो बाहर से आए हुए हैं, इनमें पूरा भरोसा है। आगे भी इन्होंने किसानों की मदद की है, पहले भी है ना, जैसे वो हाड़ोती में ना किसानों को मुआवजा दिलवाया भाई साहब ने, और भाई साहब बहुत बेकाबी से काम करते हैं, बहुत शानदार है, हमें तो बहुत पसंद है भाई साहब। आपके बीच में रहेंगे कि नहीं, पक्की पका ली आपने? रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है। क्यों साहब, कहाँ के पूछो, यही क्यों, यही को मनीष मीणा मेरा नाम, कहाँ से आए हो आप, यही क्यों के लोकल आदमी यहाँ के, यहाँ और 25 साल से जुड़े हैं, बिल्कुल 25 साल से जानता हूँ। ये सारे नौजवान यहीं के हैं, आप कहाँ से? हाँ, यही का हूँ, गाँव का। हाँ, आधार कार्ड चेक कर ले भले? हाँ, चेक कर लो, बिल्कुल। चलिए ठीक बात है, निकाल के नहीं नहीं हो गई पुष्टि। जी सरपंच साहब, क्या मैं यादराम मीणा, पूर्व सरपंच काशी रहे, मेरे गांव में कांग्रेस का मोरिया बोल गया, मोरिया बोल का नाम निशानी नहीं है बीजेपी का। कई गांव में तो कांग्रेस के एजेंट भी नहीं मिलेंगे बैठने वाले। मेरा नाम बड़ा शंकर जाटे, मैं ग्राम पंचायत चारेंट का रहने वाला हूँ, और आप अगर मेरा आईडेंटिटी प्रूफ मांगे तो मैं आपको आधार कार्ड भी काट के दे। नहीं नहीं, मान लिया, कह रहे हैं भाई बाहरी, मान लिया। मीणा को लेकर के जो दावे किए जाते हैं कि वो बाहरी प्रत्याशी हैं या बाहर के लोग उनके प्रचार प्रसार में आ रहे हैं, ये तमाम सवाल जनता हमसे पूछती है, मैसेज करके पूछती है, तो हमने सब चीज़ों को क्रॉस चेक किया है, उनके साथ रह करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए रैली के बीच में जा करके जो भी परिणाम थे आपने हमने आपको मीडिया के माध्यम से दिखाए हैं। अब ये जनता के सवालों का जवाब मेरे ख्याल से मिल गया होगा, इस तरह की और कुछ आपको कुछ लगता है तो हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं झलको राजस्थान, अभी तक के लिए शुक्रिया।